सो ट्रिप स्टार्ट हो गई है गाइस। अभी बैग ऊपर रख रहे सबका। नाउ वी विल गोइंग फॉर ओश। इट विल बी लाइक 1200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। इट विल टेक 12 आवर्स मिनिमम, 10 आवर्स इट विल टेक। सो अभी इसमें बैठेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, और ये वीडियो की भी स्टार्ट करेंगे। बाय द वे इट्स अ पार्ट टू ऑफ द वीडियो। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा उसका। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। Hey guys, welcome back to channel everyone. This was the Bishkek airport toll. So we paid some around 100 rupees there. The taxi driver paid, we did not paid. So now we are moving towards Osh, and about 15 kilometers are done, and we are in somewhere in the Kyrgyzstan, I don't know. This was the toll we have paid for entering the mountains highway. सो आगे जाके सब पहाड़ इलाका है, पहाड़ी पे चढ़ना होता है हमको, फिर वो एक पहाड़ उतरना पड़ता है। सो बिफोर दैट देर इज़ अ टोल हियर। वी हैव अ ब्रेक, स्मॉल ब्रेक हियर फॉर टॉयलेट एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। सो ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं लिया यहाँ पे हमने, 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। एज यू कैन सी टैक्सी ड्राइवर इज़ पेइंग सम टोल अमाउंट। वॉज ए नाइस हाईवे, सब जगह पहाड़ थे, एवरीवेयर देर वर माउंटेन्स। द रोड वॉज फुल्ली कवर्ड बाई माउंटेन्स, और साइड में यहाँ पे रिवर्स है। ऐसे प्लेस को हम वैली बोलते हैं जहाँ पे पहाड़ के बीच में रास्ता होता है और आजू बाजू रिवर होते हैं। सो यहाँ पे एक रिवर अबला करके कोई रिवर है वो थी। सो गाइस क्विक अपडेट, ये पहाड़ जो है वो हमको क्रॉस करना होता है। ये पहले हम वहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे, फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे, पूरा घाट वाला रास्ता होगा। एंड देयर वेर लॉट्स ऑफ कर्विंग्स लाइक दिस इन द हाईवे। ऑलमोस्ट हमने 150 किलोमीटर्स कर लिया था यहाँ पे पहुँचने तक, जब ये घाट शुरू हो गई थी। 140-150 समथिंग हमने कवर कर लिया था डिस्टेंस। एंड अभी हम लोग 1:30 बजे निकले थे बिश्केक एयरपोर्ट से। नाउ इट्स लाइक 2-3 ओ क्लॉक।
when you travel from Bishkek to Osh or Osh to Bishkek, you will found these horses and other animals on the road, because यहाँ पे सब farmers रहते हैं सब. सो यहाँ पे आप रास्तों में ये देखना कॉमन चीज़ होगी. दैट्स वाई यू नो किर्गिस्तान इज़ नोन एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ द एशिया. सो इसलिए इसको स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है. हर जगह हरियाली होती है, माउंटेंस होते हैं एंड वैलीज होती है. एंड नाउ द क्लाइंबिंग हैज़ बीन बिगन. और ये घाट शुरू हो चुका है, घाट वाला सेक्शन. यू विल सी लॉट्स ऑफ ट्रेलर्स एंड ट्रक बाय द वे हियर, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है इस रोड का. एंड वी स्पॉटेड एक्सीडेंट ऑल्सो. यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कौन था, कहाँ से आया. सो यहाँ पे केयरफुली ड्राइव करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस रोड्स, क्योंकि घाट बहुत डेंजर होते हैं. एंड अगेन वी स्पॉटेड दिस हॉर्सेस. Now quick update, we have crossed about 220 kilometers and more about 400 kilometers are remaining. So 200 kilometer ho gaya tha hamara yahan pahunchne tak. And abhi pahad pahunchne wale hum log upar, the top of the mountain, then we have to again go down. ट्रैवल फ्रॉम ओश टू बिश्केक और बिश्केक टू ओश, ये जो पहाड़ जो बीच में लगता है, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्नो के टाइम पे यहाँ पे पूरा जो रोड साफ साफ नज़र आ रहा है वो उसके ऊपर पूरा स्नो होता है. सो बहुत ज़्यादा स्कीड होती है. एज यू कैन सी ट्रेलर्स देखो कैसे टर्न मार रहे हैं बीच रस्ते में. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन स्नोफॉल. सो इसलिए मैं कहूँगा कि जनवरी के महीने में आप बिश्केक टू ओश ट्रैवल ना करें बाई टैक्सी. And there are some tunnels. ये छोटे छोटे tunnels बनाए गए हैं. स्टिल क्लाइंबिंग गाइस, और हम लोग टॉप पे पहुंचने वाले हैं. इट्स ऑलमोस्ट डन, दो तीन और कर्विंग्स रह गए हैं. एज यू कैन सी ट्रेलर से वो कैसे ऊपर से जा रहे फ्रॉम ओश टू बिश्केक और बिश्केक टू ओश, यू विल फाउंड आउट दिस टनल. ये टनल बहुत ज़्यादा बड़ा है, कुछ 1 or 2 किलोमीटर्स का कुछ ये टनल बनाया गया है. ये आपको मिलते रहेंगे ऐसे टनल. सो इट वॉज अ बिग टनल. इसको क्रॉस करने में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स निकल जाता है. Has been done, and I would like to end the part 2 here.
और पार्ट थ्री में आप देखेंगे कि यहाँ से आगे की जर्नी जो 600 किलोमीटर टोटल हमको कवर करना है। सो होप यू गाइज लाइक द वीडियो, इफ़ यू डिड देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज अंकित कनौजिया, टेक केयर, बाय बाय।